इस बार के आईपीएल ऑक्शन में मुसीर खान हो सकते हैं इस टीम का हिस्सा। हम बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल मुसीर खान सरफराज खान के छोटे भाई हैं और पिछले कुछ सालों से काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बात करें अंडर 19 की तो उसमें भी बढ़िया बल्लेबाजी करके दिखाए, ऑलराउंडर हैं वो। उसके बाद इंडिया आए, इंग्लैंड में खेलने गए, वहाँ भी अच्छा खेल कर दिखाया। उनके भाई और मुसीर दोनों ने, उनके भाई तो उनका फल मिल गया और भारतीय टेस्ट टीम में उनके जगह मिल गई है। अब बारी आती है मुसीर खान की। मुसीर खान को इस बार आईपीएल की टीमों में ज़रूर नीलामी में लिया जा सकता है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 181 रनों की पारी खेली, जब मुंबई की पूरी टीम एक समय पस्त हो चुकी थी और मुंबई को अपने दम पर जीत दिलाकर बने मैन ऑफ द मैच। उसके बाद अब बात करें आईपीएल में उन टीमों की जो मुसीर खान को ले सकते हैं अपने टीम में, तो बात करें आरसीबी की। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो वो भी, विराट कोहली को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज उस तरह नहीं नज़र आता, तो आरसीबी मुसीर खान पर दाव ज़रूर लगाना चाहेगी। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, तो है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल्स भी उस तरह से 2 सालों से मजबूत नज़र नहीं आ रही जिस तरह खेलती आती थी, तो दिल्ली कैपिटल्स भी मुसीर खान को ज़रूर खरीदना चाहेगी क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने सरफराज खान को रिलीज़ कर दिया। तीसरी टीम की बात करें तो हो सकती है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स भी अपनी बल्लेबाजी को सुधारना चाहेगी।